Kisanek tacına Abbas. Cinavar, cinavar. Kisanek tacına Abbas. Cinavar, cinavar. İnkılap cina Abbas. Cinavar, cinavar. Tamar aslan resin Abbas. Cinavar, cinavar. Lörenge, lörenge, lörenge. Gitenge, gitenge. Balara sattı hella bol. Hella bol, hella bol. Balara sattı hella bol. Hella bol, hella bol. En çayı go back. Go back, go back. की गठबंधन की खट्टर सरकार द्वारा यहां के सिरसा जिला के प्रशासन द्वारा जबरन लाठी गोली के दम पर हमारे साथ धक्का करके हमारे कपड़े फाड़े गए, जबरन किसानों को मुझे डिटेन किया गया और कब्जा लिया गया है। हम सरकार से और प्रशासन से ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे साथ संवाद क्यों नहीं करना चाहते, हमें इस लायक क्यों नहीं समझते, या फिर ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं। अगर हमारा संख्या बल कम है, अगर किसान सैकड़ों की संख्या में है, तो सरकार बात क्यों नहीं कर रही। कल कब्जा लेते समय जो किसानों की भूमि अधिग्रहण नहीं हो रही, उसके अंदर भी जो हमारी फसलें थी वो नष्ट कर दी। हमने मुरबा नंबर, किला नंबर अभी उपखंड अधिकारी को दिए हैं और एसडीएम साहब ने ये कहा है कि उसका हम मुआवजा देंगे। अगर मुआवजा नहीं देंगे और हमारी जो लड़ाई भारतमाला की चल रही है, कल तमाम जन संगठनों के साथी और हमारे तमाम जो भारतमाला से पीड़ित किसान साथी है, अपने परिवारों के साथ सह परिवार ट्रैक्टर लेकर के सारे साथी हम एक जगह कल इकट्ठा होंगे सुबह 10 बजे जोगेवाड़ा गांव की टैलपुरी धर्मशाला के अंदर, और वहां पर इकट्ठे होकर शासन प्रशासन का, इस हिटलर शाही सरकार का मुकाबला करेंगे। हमारी लड़ाई किसानों को न्याय मिलने तक जारी रहेगी लगातार। इनकलाब जिंदाबाद। अभी सर आपकी तरफ से भी आरोप है कि जो एनएचआई के अधिकारी हैं वो दूसरी जमीन को भी साथ में ही मतलब ज्वाइन कर रहे हैं। जी जो हमारी भूमि अधिग्रहण नहीं हुई है किसानों की, गुंडागर्दी करते हुए एनएचआई के मजदूर, एनएचआई के लोग, वहाँ पर तहसीलदार मौजूद है, तहसीलदार की मौजूदगी में, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में जो भूमि अधिग्रहण नहीं हो रही उसमें भी फसलों को नष्ट किया जा रहा है। उसके लिए हमने सिटी थाना के अंदर अभी एसएचओ को एफआईआर भी हमने दर्ज करवाई है और उसका किसानों की जो फसल नष्ट हुई है उचित मुआवजा दिया जाए। जो भूमि अधिग्रहण सरकार ने की है उससे बाहर हम कदम नहीं रखने देंगे। अगर हमारी ये तमाम जायज़ मांगे नहीं मानेंगे तो यहाँ का किसान कोई सहयोग नहीं करेगा, और जो लोग सहयोग करेंगे उनका भी हमने बैठक में ये भी फैसला लिया है कि तमाम जो पीड़ित किसान साथी है वो उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। उनकी शादियों के अंदर और भी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम होगा, हम किसान साथी शामिल नहीं होंगे। घर पर हमारे से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। कल भी जब 100 किसान यहाँ थे तो उनको कुचलने के लिए 2000 रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई और किसानों के साथ कुठाराघात किया गया, उनको बेइज्जत किया गया, कपड़े फाड़े गए। और अब जो आज ये नया कारनामा कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास निशानदेही है ही नहीं, किसानों ने इनको जो सर्वे करने वाले थे उनको खेतों में घुसने नहीं दिया, अब ये अंदाजे से किसान की जो पास की फसल है, भूमि है, उसको और जोत रहे हैं। तो आज सभी किसानों ने प्रशासन के खिलाफ एसएचओ साहब को एप्लीकेशन देके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम एसएचओ साहब के पास गए थे और अब एसडीएम साहब के पास आए हैं। भाई जो कार्रवाई है इनके खिलाफ बनती है वो कार्रवाई करें। एसडीएम साहब ने ये आश्वासन हमें दिया है भी मैं आपके साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा, लेकिन किसानों के साथ हर मुद्दे पर ज्यादती हो रही है। अवार्ड के पैसे नहीं मिले, स्ट्रक्चर के पैसे नहीं मिले, पेड़ मकान उनके पैसे दिए बगैर कोर्ट में भी जमा नहीं करवाया। अगर कोर्ट में भी जमा करवाते तो मान लेते भी इनकी कोई गलती नहीं है, और जो कानून है वो बगैर पैसे दिए किसान के खेत में एंट्री नहीं कर सकते। लेकिन ये सरकार की हठधर्मिता है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन की, जो किसानों को कुचलने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार मोदी ने 3 कानून वापस लिए, ये भी इनको आखिर झुकना ही पड़ेगा। किसान एकता जिंदाबाद। उदाहरण साहब, जैसे रस्तों का प्रबंध हो,
मतलब खाड़ों का प्रबंध, अंडर ब्रिज आपके लिए पहले छोड़े होने चाहिए, इन मुद्दों पर कोई बातचीत आपकी सहमति नहीं बनी? डीआरएम भी आपके साथ बैठे थे, डीआरओ साहब जब आए वो राजनीति बातें करने लगे, डीआरओ के साथ हमारी बैठक हो ही नहीं पाई, प्रशासन कोई मुद्दे पर बातचीत करना ही नहीं चाहता। अब जो इन्होंने वो डोजर चलाए हैं, डोजर चलाए तो जो वाटर कोर्सेज थे उनको तो ढा दिए, अब किसान पानी कैसे लगाएगा? ये कह रहे हैं 7 दिन हम कब्जा लेने में लगाएंगे, तो 7 दिन में तो किसान की, कई किसानों की दो दो बारी आती है। क्रॉसिंग तो इन्होंने उसको ढा दिया ना, जो ढांचे बने हुए थे हमारे, और इसका हमारे पास स्टे रूप में जो आत्माराम जी एक्शन है एससी साहब थे, उन्होंने ये लिख के दिया था, अभी यथास्थिति रखी जाएगी, चाहे वो कच्चा खाड़ा है चाहे वो पक्का खाड़ा है, उसके उसको आप तहस नहस तब करोगे जब आप इनको नया बना के दोगे। बिल्कुल लिखित में इनको हमने दे रखा है वो लेटर, लेकिन ये कोई अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। क्या रणनीति सर आगे की? आगे की रणनीति कल जोगेवाड़ा गांव में जो जथेबंदियां हैं, चढ़ूनी ग्रुप है, संयुक्त किसान मोर्चे को भी हमने कॉल की है, राजस्थान के लोगों की भी कॉल की है, पंजाब के लोगों को भी कॉल की है, और कल जोगेवाड़ा में कुछ नया करके दिखाएंगे। किसान इनका दमन अब सहन नहीं करेंगे, हमें आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लठ लेकर लड़नी पड़ेगी,